this is recording. This is the GoPro. I think, I hope you can see this in this mirror. So there are a lot of things that I need to talk, and there are a lot of things that I need to tell, and there are a lot of things that I need to discuss. So सबसे पहले तो ये तो GoPro आपने भी शीशे में देखा है. मुझे बहुत guilt और regret है, ये बता दूँ कि मैंने 32,000 का खरीदा है GoPro Hero 6 Black, और इसमें इतने glitches हैं. सारे कह रहे हैं कि last साल video में यार audio नहीं सही आ रहा, आपने रिव्यू कैसा बनाया, GoPro सिर पर लगाएगा अगर उसकी वीडियो नहीं बनाई या उसकी वीडियो आई नहीं. सो लेट मी टेल यू, और ये से मेरे साथ नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ होता है कि वीडियो रिकॉर्ड पे आप लगाते हो और आप सारा जो कंटेंट बना लेते हो या पूरा वीडियो बना लेते हो, उसके बाद आपको पता लगता है कि भाई साहब जी ने रिकॉर्ड नहीं करी. और मैंने 32,000 का खरीदा था जबकि 8-9,000 के भी एक्शन कैमराज आ जाते हैं, ये सोच के कि यार कि एक बार पैसे खर्च करो अच्छी चीज़ खरीदेंगे. बट फिर भी इसके अंदर भी उतने ही स्यापे हैं, इसके अंदर भी ऐप के साथ कनेक्टिविटी में इशूज है. अच्छा, मैं अभी क्रूज कंट्रोल चला के बैठा हूँ तो GoPro के बहुत स्यापे पड़ते हैं यार. तो बड़ी बार बहुत सारे लोगों की वीडियोस GoPro के चक्कर में खराब हो जाती है, और मैं अगला कैमरा डेफिनेटली GoPro नहीं लेने वाला, इतने पैसे नहीं खर्चने वाला. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल अबाउट दिस यार. एंड द 1.3, इसके अंदर दो मेन टेक्नोलॉजीज हैं जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ. एंड अभी मैं जा रहा हूँ, और मैं पहले तो दिल्ली में हूँ, गुड़गांव से दिल्ली जा रहा हूँ. अभी मैं जा रहा हूँ इसके शीशे फोल्डिंग करवाने. अभी इसके शीशे फोल्ड नहीं होते, अंदर से ऑटोमेटिक वो होते हैं, हिलते हैं, बट फोल्डिंग नहीं है क्योंकि ये वेरिएंट नीचे वाला है और बहुत वैल्यू फॉर मनी मिल गया मेरे को. बट इसके अंदर दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, वो एक क्रूज कंट्रोल और एक SHVS. सो क्रूज कंट्रोल अभी ऑलरेडी चल रहा है, तो क्रूज कंट्रोल के बारे में सबको पता है कि क्या चीज़ है. मुझे भी लगता था मुझे अच्छे से पता क्या चीज़ है, बट जब तक अपनी गाड़ी में तुम उसको अच्छे से यूज़ नहीं करते एक लॉन्ग ड्राइव पे, तब तक तुम्हें अच्छे से आइडिया नहीं होता कि वो क्या चीज़ और उसमें कितनी खास चीज़ें. अब तक मुझे लगता था कि क्रूज कंट्रोल मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलर स्पीड पर गए, आपने बटन दबाया और वो वहीं पर पकड़ के बैठ गया. बट इसकी एडिशनल फीचर्स क्या हैं या और एक्चुअल जेन्युइन यूटिलिटी में कितना अच्छा है, वो चीज़ें मुझे अब पता लगी है. तो मैं जल्दी जल्दी उसको रैप अप कर दूंगा, बिकॉज आई नो यू वोंट बी दैट मच एक्साइटेड ऑफ फॉर दिस थिंग, बिकॉज सबके सबके अंदर एक कॉमन होता है. बट मुझे एक चीज़ है जो इसके बारे में नहीं पता थी, सारे कहेंगे यार कि लाया था, मुझे भी नहीं पता था. इट लाइक मुझे अब तक लगता था, जैसे ये देखो अभी मैं 70 पे हूँ, मुझे अब तक लगता था कि जैसे अब मैंने क्लच दबाया तो क्रूज कंट्रोल डिसंगेज हो गया, ब्रेक मारी, चाहे ब्रेक मारो चाहे क्लच दबाओ कुछ भी करो तो आपका क्रूज का सेट बंद हो जाता है. तो जैसे मैंने ब्रेक मारी, मैं 70 पे था, अभी धीरे धीरे 60 पे चला गया. लेट मैं और स्लो होता हूँ, रुको. जैसे मैं सपोज करो हाईवे पे चला रहा हूँ, ये अभी प्रॉपर हाईवे नहीं है, जैसे मैं 50 लगा गया तो मुझे दोबारा ऊपर बढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये सेट का बटन दबाया. जैसे मैं अगर पहले 70 पे था, अभी मेरे पैर बिल्कुल फ्री हैं, हाथ बिल्कुल फ्री हैं. मुझे लगता था कि जैसे अभी अगर आपने एक बार क्रूज कंट्रोल सेट करा, ब्रेक मार के दोबारा नीचे आ रहा, तो बार बार आपको क्रूज कंट्रोल सेट करना पड़ता है. बट मुझे नहीं पता था कि इसमें रीसेट का ऑप्शन है, और ये हर क्रूज कंट्रोल में होता है, उसके लिए आपको दोबारा रेस देनी नहीं. अब देखो मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, मैं फिर से 70 पे आ गया हूँ, बट बिना रेस दिए, मैंने रेस नहीं दी. और ये चीज मैंने पुल अप करी 40 से, तो 40 स्पीड के ऊपर आप क्रूज कंट्रोल यूज कर सकते हो. और अगर आप सपोज करो 100 की क्रूजिंग स्पीड पे जा रहे हो और अचानक कोई ट्रैफिक आ गया जो बार 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 आता ही रहेगा, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको ब्रेक मारनी है, क्लच दबाना, जो भी अपनी कार को दोबारा नॉर्मल पोजिशन पर लेके आना है, और सिर्फ ये सेट का बटन दोबारा दबा देना है. सॉरी रीसेट, इसका ये RES लिखा हुआ है, इसका मतलब रीसेट, ये रीसेट का बटन फिर से दबा देना और फिर से उसी स्पीड पे चले जाएगा जिस स्पीड पे आपने लास्ट क्रूज कंट्रोल डिसंगेज करा था. रीसेट वाले बटन से वापस उस पर चला जाएगा, और जो सेट वाला बटन है इससे आप नई स्पीड दोबारा क्रूज कंट्रोल पर सेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने 100 पे सेट करा हुआ है, आप 90 पे आ रहे हो, रीसेट करोगे तो दोबारा 100 पे चला जाएगा, 90 पे करके ये सेट दबा रहे हो तो फिर 90 पे नया क्रूज कंट्रोल लग जाएगा. और फिर ये प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार क्रूज लगा हुआ तो यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हो. सो अभी 70 पे है, I'm going to go to 100, and मैं कुछ भी पैरों से नहीं कर रहा, और ये बहुत मजेदार है यार, पैर बिल्कुल नहीं सकते. मैं 90 पे चला गया हूँ, बिल्कुल वीडियो गेम जैसी फील आती है, ये 100 पे आ गया हूँ. सो आई प्रेफर, और यहाँ से कम भी होती है, बट आई प्रेफर कि आप कम ना करो, क्योंकि कम करने के लिए इसको ब्रेक्स मारनी पड़ती है, विच फील काइंड ऑफ नंब, और ब्रेक मारनी एक मोटर के लिए भी मुश्किल भी है. हम तो पैर से ब्रेक आराम से लग जाती है. सो आप माइनस भी कर सकते हो, बट माइनस की रिलायबिलिटी इस पर ना रखो, ये आप सोचो कि माइनस हो ही नहीं सकता. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि सपोज करो आप क्रूज कंट्रोल लगा के बैठे हो और अचानक कोई आ गया है, अब मैंने सब 70 पर ही सेट कर दिया, अचानक कोई आ गया और आप सोच रहे हो ब्रेक मारने की बजाय पैरों से मैं हाथ से सेट कर दूँ, सो यू विल 90% एंड अप इन एन एक्सीडेंट. सो आप माइनस पे बिल्कुल भी रिलाय मत करो, प्लस आप चाहे कर सकते हो, प्लस बहुत आराम से हो जाती है, बट माइनस में ये गाड़ी को रोक नहीं पाती. तो दिस इज द क्रूज कंट्रोल थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड सेकेंड थिंग अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस इज द SHVS हाइब्रिड. मुझे अब तक लगता था कि ये सिर्फ एक गिमिंग है, ये सिर्फ चौंचला, और मैंने इस गाड़ी को हाइब्रिड के लिए नहीं खरीदा बिल्कुल भी. मैंने इस गाड़ी को खरीदने के बहुत सारे कारण थे. एक कारण ये था कि मैंने 31 मार्च की कार लेनी थी, मैंने उसके लिए बहुत डिस्काउंट ले लिया, मेरे को पता था 1.5 आ रहा है, बट मैंने चलाया नहीं था, चलाया मैंने 3-4 दिन बाद. सो आज मैं सबको ये बोलूंगा कि 1.5 लोगों की बहुत अच्छा इंजन है, ड्राइवेबिलिटी बहुत बेटर है, बट ये कार लेने का पर्पज ड्राइविंग ड्राइवेबिलिटी नहीं था. जैसे मैंने आपको पहले बताया मेरे पास दो गाड़ियाँ थी,
ईकोस प्रोडक्ट डिजायर. तो जब मेरा बेबी हुआ या मेरी वाइफ प्रेगनेंट हुई तो हमें एक कार की जरूरत उतनी नहीं लगने लगी और इको स्पोर्ट बेचने वाली हो गई थी. 92,000 चल गई थी, मेरी गाड़ी बहुत जल्दी चल जाती है 2.5 साल के अंदर ही. तो मैंने इको स्पोर्ट बेच दी और तब तक सोचता था कि मैं नई गाड़ी कौन सी लूँ. और ये डिसीजन इतना अर्जेंट नहीं था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डिजायर थी तो और मेरा एक कार से आराम से सर रहा था. बट चलते चलते डिजायर भी 85-86 तक चली गई, उसका भी बेचने का टाइम आ गया. तो बहुत अर्जेंट हो गया था एक कार लेना और हमेशा से मेरे को कॉम्पैक्ट एसयूवी सबसे ज्यादा पसंद है. सो फाइनली मैंने जैसे पिछली वीडियो में बोला होगा कि मैंने एसयूवी पसंद करी और एसयूवी पसंद करने के बहुत सारे रीजन थे. आज भी मैं एसयूवी का फैन हूँ और एसयूवी बहुत अच्छी कार है. बट दो रीजन वाई मैंने एसयूवी अभी क्यों नहीं ली. नंबर वन ये कि 31 मार्च में बहुत डिस्काउंट चल रहे थे, मेरी गाड़ी की अच्छी वैल्यू मिल रही थी और एक्सचेंज ऑफर भी अच्छा चल रहा था. और 2019 ये 15-16 दिन पहले की मैन्युफैक्चर्ड कार है. मेरे को 2018 में भी एक इससे ऊपर जीटा मॉडल मिल रहा था बट मैंने फाइनल कॉल लिया कि अगर मेरी गाड़ी 2 साल में बेच देनी होती है सो वेरिएंट का मुझे अच्छा ख्याल रखना चाहिए. और मेरे दीदी भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी मेरे को सलाह यही दी और मुझे सही भी लगी. तो मैं 2019 की डेल्टा वेरिएंट ले ली जो बहुत वैल्यू फॉर मनी है. और एक ही फंक्शनल फीचर जो मैं मिस कर रहा हूँ वो ये है कि इसके शीशे फोड़ नहीं होते बाहर से और वो मैं लगवाने जा रहा हूँ. सो नंबर टू वॉज कि एक्सयूवी पे एक रुपए का भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हो और वो बुकिंग पे है और वो कह रहे हैं कि बाद में मिलेगी, अभी आप जो वेरिएंट बुक करा लो वो ले लो. और वो महंगी भी बहुत थी, मेरा मन नहीं था अभी उतने ज्यादा पैसे खर्चने का. और गाड़ी एक तो चाहिए थी और डिजायर बेचनी ही थी. तो मैंने फाइनली जब W6 पे मन बना भी लिया कि चलो 10-25 की 10-30 की W6 डीजल मिल रही थी तो मैंने कहा चलो अगर मैनुअल लेने का मन बन ही गया कि एक कार मैनुअल रख लेंगे, मैं गलत आ गया, कि एक कार मैनुअल रख लेंगे. तो उसके बाद भी जब मैंने W6 के लिए कॉल करा तो वो कहता है सर एक ही गाड़ी स्टॉक में खड़ी है, सर वो शोरूम में खड़ी है और मतलब कि स्टॉक है शोरूम में और उस पर सर एसेसरीज लगी हैं तो सर आपको एसेसरीज के लिए भी पे करना पड़ेगा. मैं कहा यार एसेसरीज रिमूव कर दो मुझे नहीं चाहिए. एक सेकंड में गलत चला गया बात करते करते, सो आई एम गोइंग टू रिवर्स. तो मैंने कहा यार मुझे एसेसरीज नहीं चाहिए तो वो कहते सर ऐसा नहीं पॉसिबल, वो एसेसरीज हम रिमूव नहीं कर सकते तो आपके लिए 25,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. जहां मैं एक एक रुपये बचा रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ कि मैंने सबसे चीपेस्ट सबसे सस्ते में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार लेनी है तो उस चीज में आके एक्सयूवी का गड़बड़ हो गया. दूसरी बात जब ये हुआ कि यार कि एक्सयूवी अभी तो नहीं ले रहा तो मुझे ये तो पक्का था कि एक्सयूवी में बाद में लूंगा. और सेकेंडरी रीजन एक्सयूवी से थोड़ा दूर रहने का कारण ये भी था कि मुझे पता था कि एक्सयूवी ऑटोमेटिक आ रही है और मुझे इवेंचुअली दो गाड़ियां तो रखनी ही है. तो एक्सयूवी मैं अभी मैनुअल ले लेता कल को ऑटोमेटिक आ जाती तो दूसरी भी एक्सयूवी ऑटोमेटिक निकालता तो कोई पॉइंट नहीं था. तो थिंकिंग दिस और ये सपोजिटली सर्टनिटी रखना कि मैं कल को जब एक्सयूवी ऑटोमेटिक आएगी तो वो लूंगा इको स्पोर्ट की रिप्लेसमेंट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी दूसरी लेने की पड़नी है. ब्रेजा भी बहुत अच्छे रेट में मिल रही थी बट ब्रेजा में बैठ के फीलिंग नहीं आई बिल्कुल भी. बट वो बहुत वैल्यू फॉर मनी था, मारुति पे बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं. मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा अबाउट द स्टोरी ऑफ मारुति एंड स्टोरी ऑफ डीजल्स. तो वो स्टोरी ऑफ डीजल्स ने भी बहुत इन्फ्लुएंस करा मेरे को 1.3 लेने को 1.5 ना लेने को. सो भी मैं बताऊंगा कि डीजल और मारुति का फ्यूचर आगे क्या है, अगले एक साल के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है BS4 BS6 को लेके. अ लॉट ऑफ मेजर डिसीजन आर गोइंग टू हैपन. एंड पहले थोड़ा सा बताता हूँ कि बहुत सारी कंपनियां अपनी डीजल गाड़ियां बंद करने वाली है. सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप अभी अगर डीजल कार चला रहे हो या लेने जा रहे हो मार्केट में शायद वो 6-7 महीने बाद आउट ऑफ सेल ही चले जाए. तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि मैंने सोचा कि 1.3 अगर अभी मिल रहा है सस्ते में मिल रहा है 1.5 चाहे 3-4 दिन बाद आएगा. और मैं गाड़ी का पर्पज़ ये है लेने का कि ड्राइविंग फन के लिए नहीं ले रहा, फॉर स्पेस फॉर कंफर्ट फॉर अ फैमिली सेडान डिजायर का एक अपग्रेड ले रहा हूँ. और दूसरी बात अगर मुझे एक्सयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी पसंद है ही है, वेन्यू आ रही है बट मुझे पता मैं देयर इज वेरी लेस चांस कि मैं हुंडई वेन्यू लूंगा क्योंकि जब वो खराब सड़कों पर तुम बहुत ज़्यादा ठोकते हो तो हुंडई बेचारी वो नहीं सह पाती. हुंडई आर परफेक्ट अर्बन कार्स बट नॉट ऑफ रोडिंग और रैली व्हीकल्स, जो मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. इको स्पोर्ट से मैं रैली करता था एक दो बार करी है मतलब, और एक्सयूवी से भी मैं कर लूंगा ये चीज़. तो मुझे था कि चल वेन्यू अगर आ भी रही है तो भी यार कि आई एम नॉट श्योर, बट ये जरूर था कि वेन्यू के आने के बाद क्या पता एक्सयूवी 300 पे डिस्काउंट्स आने लग जाएं क्योंकि अभी तो वो बहुत डिमांड पे है. बट कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बहुत कुछ हो रहा है सो देयर वाज अ चांस कि अभी थोड़ा दूर ही रहो कॉम्पैक्ट एसयूवी से. एंड थिंकिंग कि एक्सयूवी कल को लेनी है तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में अभी नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने फाइनली सोचा कि यार एक्सयूवी में क्या कमी है, वो है रियर स्पेस रियर कंफर्ट एंड इट्स नॉट अ फैमिली कार. सो सोचा तो लेट अस गो फॉर अ परफेक्ट प्रॉपर फैमिली कार एट द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी एंड दिस इज इट. और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, सबसे ज्यादा इसकी मतलब एक क्लास अबाउट फील है क्योंकि जिस बजट में ये आ जाती है मतलब होंडा सिटी वरना से काफी सस्ती है, मतलब एक्चुअली काफी सस्ती है. सो दैट इज अ बिग फीट क्योंकि जब हम मार्केट में रिव्यूज में ये बताना बहुत आसान है यार कि ये वाली गाड़ी अच्छी है गाड़ी नहीं अच्छी, तभी मैं हर बार अपने रिव्यूज में एट द एंड जाके कंक्लूजन करता हूँ कि आपके पैसों के हिसाब से या मैं अगर पैसे लगा रहा होता तो मैं कार लेता नहीं लेता. तो उस चीज़ में सियाज फॉल्स एट अ परफेक्ट प्लेस एट अ वेरी परफेक्ट प्लेस और इसीलिए इसकी सेल्स भी ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर कंफर्ट स्पेस सबसे ज़्यादा है, होंडा सिटी से बढ़िया वरना से बढ़िया. आई फील वेरी गुड बाइंग दिस कार. सो नाउ कमिंग टू द SHVS एंड हाइब्रिड पार्ट.
ये एक नई चीज है, जैसे क्रूज कंट्रोल है जबकि मैं अभी इसके साथ जीना शुरू करा है, हाइब्रिड भी एक नई चीज है जिसके साथ मैंने जीना शुरू करा है। मुझे अब तक लगता था, जो मैंने पिछली वीडियो में बोला कि SHV सिर्फ एक स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है, इसका ये ओवर मार्केटिंग करके या इस बात का फायदा उठा के ये लोग सब्सिडीज लेते हैं या इंसेंटिव देते हैं या पता नहीं क्या करते हैं या सिर्फ माइलेज बढ़ती है इससे, बट अब मुझे लग रहा है यार कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी है इसमें, क्योंकि मैंने तब सिर्फ अपने शहर में चलाई थी, 300-400 किलोमीटर चली थी, अभी 1100 किलोमीटर चल चुकी है। मैं दिल्ली के मतलब लुधियाना से दिल्ली आया हूँ, तो हाईवे पे काफी जान पहचान हुई मेरी अपनी गाड़ी के साथ, फैमिलियरिटी बड़ी, बड़ा कुछ हुआ। सो थिंकिंग ऑल दैट इन कंसिडरेशन, लेट मी टेल यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज। जो जेन्युइन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होता है, तो मुझे लगता था ये जेन्युइन हाइब्रिड नहीं है, बट ये उसी की एक बहुत छोटी मिनिस्क्यूल इटरेशन है। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है? हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज होती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल इकट्ठे होकर चलते हैं। सो उसके अंदर आपके पास एक तरफ तो ऑप्शन क्या है कि आप यार बीच में इलेक्ट्रिक इंजन चला सकते हो, बीच में पेट्रोल इंजन चला सकते हो, या वो दोनों आपस में शिफ्ट कर करके चलते हैं जिससे माइलेज बचती है। तो इट इज लाइक आपकी फुल पावर सिर्फ पेट्रोल पे नहीं आ रही, अगर आप प्यार से चला रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक इंजन पे गाड़ी चलती रहेगी। एंड दिस इज इन रेफरेंस टू कार लाइक अकॉर्ड एंड कैमरी, उनका तो, और अगर उनका प्योर इलेक्ट्रिक रेंज देखोगे तो वो तो बहुत ही कम है, तो वो भी गिमिक्स ही है बेचारे। आप प्योर इलेक्ट्रिक नहीं चला सकते, बट वो ये क्लेम करते हैं कि यार कि क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन पेट्रोल इंजन के साथ असिस्ट करता रहता है इसलिए आपकी माइलेज बढ़िया हो जाती है। और शायद उसमें भी यही सेम चीज़ें हों, जो टॉर्क असिस्ट वाली चीज़ है जो मुझे सबसे खास लगी, और जो और उसके ऊपर वाले हाइब्रिड हैं, जो स्पोर्ट्स कार में हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज आती हैं, फरारी में भी आती हैं, सो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार में, सुपर कार में, BMW i8 में भी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को सिर्फ माइलेज के लिए नहीं यूज़ करा जाता है, वहाँ पर उसके यूज़ करा जाता है उसकी टॉर्क असिस्टेंस के लिए। अब मैं बताता हूँ वाई इलेक्ट्रिक पावर्स हैव बेटर टॉर्क। आप देखना कि तभी कहते हैं, तभी जितनी टेस्लाज हैं अगर आप उनकी ड्रैग रेसेस देखोगे वो 0-100 में सबसे फास्ट होती है, और टॉप स्पीड में जाके जो गैसोलीन इंजन वाली गाड़ियां हैं उनसे टॉप स्पीड में जाके काफी आगे निकल जाती है। सो एक क्वार्टर माइल ड्रैग रेस में और एक हाफ माइल ड्रैग रेस में और एक वन फुल माइल ड्रैग रेस के डिफरेंसेस के रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और इसका पर्पज ये है कि जब आप एक गैसोलीन इंजन को सिर्फ पिकअप निकालना चाहते हो, एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो एक उस पूरे प्रोसेस में लगता है कि आपने रेस दी, फिर फ्यूल और एयर का मिक्सचर बर्न हुआ, उन्होंने पिस्टन मूव करे, पिस्टन मूव करके एक्सल मूव करा, फिर एक्सल मूव करके एग्जॉस्ट गैसेस निकली, तो फिर गाड़ी चली, फिर एग्जॉस्ट गैस निकलने के बाद उस एग्जॉस्ट गैस से फिर टर्बो भी चला, टर्बो से फिर और पावर बढ़ी। सो नो डाउट गैसोलीन इंजन आर वेरी फास्ट एंड वो बहुत एफिशिएंट हो चुके हैं आज की डेट में स्पीड और एफिशिएंसी निकालने के लिए, बट फिर भी जब इलेक्ट्रिक मोटर की बात आती है, इलेक्ट्रिक मोटर लाइक आपने एक बटन दबाया और वो फुल पावर पहले स्टार्टिंग से देने लग जाती है, तो वो अभी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स को बीट नहीं कर सकते। बट इलेक्ट्रिक मोटर यही है कि वो इनिशियल पावर और टॉर्क बहुत ज्यादा देती है, बट फाइनल टॉप स्पीड में जाके आगे जाके वो एक सस्टेनेबल पावर नहीं दे पाती, या बहुत देर तक एक कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन नहीं कर सकते, वो इनिशियल टॉर्क बहुत अच्छी दे देती है। सो कार लाइक फरारीज में या स्पोर्ट्स कार में, इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट उसमें इलेक्ट्रिक मोटर असिस्टेड एक्सेलरेशन है। कैसे कि जब इनिशियल टॉर्क है तो इंजन में इलेक्ट्रिक मोटर्स हेल्प करती है वो पिकअप और भी फास्ट लेने को, बट बाद में वो गैसोलीन इंजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और टॉप स्पीड तक वो गैसोलीन इंजन पर जाते हैं। सो अब तक हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज का मेन बेस यूसेज इसलिए होती थी, और मुझे लगता था कि सियाज में ऐसा नहीं है कुछ, बट सियाज में भी उन्होंने उसका बहुत बेसिक इटरेशन डाला है, तो मुझे लगता था यार कि सियाज को हम हाइब्रिड कह नहीं सकते, इन्होंने अभी चौंचले से हैं, गिमिक्स है, ये वो है, बट सीइंग नाउ इट इज अ जेन्युइन हाइब्रिड, चाहे उसका पावर में डिफरेंस कितना आ रहा है आई डोंट नो, बट ये बात से मैं भी हैरान हूँ कि सियाज बीइंग अ हैवियर कार एंड अ बिगर कार, इसके DDIS 200 की जितनी कार हैं उनमें सबसे ज्यादा 0-100 के अच्छे फिगर्स हैं। अब मुझे नहीं पता उसमें टॉर्क असिस्ट के कारण आ रहे हैं या वो टॉर्क असिस्ट यूज ही नहीं हो रहा है, बट पॉइंट इज कि इस कार में इस सीट के नीचे एक बड़ी बैटरी लगी है, तो स्टार्ट स्टॉप तो वो करता ही, जैसे मैंने गियर छोड़ा तो गाड़ी बंद हो गई, ये स्टार्ट स्टॉप भी बड़ा अच्छा है। मुझे पहले लगता था कि सिर्फ अगर आप न्यूट्रल में डाल के बंद करो तो तभी बंद होगी, बट आज मुझे पता लगा है कि अगर इसको फील होता है कि आपको कि ठंडक भी कार में कम हो रही है और एसी, जैसे कंप्रेसर बंद हो जाता है जब इंजन बंद होता है, जैसे अगर 2-3 मिनट के लिए वैसे खड़े रहे और गाड़ी में गर्मी बढ़ने लग गई या टेम्परेचर होने लग गया तो भी अपना इंजन स्टार्ट कर देगी, नहीं तो क्लच दबाने पर तो करेगी ही, बट वैसे भी कर देगी जब उसको लगेगा नहीं एसी चलाने की जरूरत है। तो ये भी मुझे बहुत स्मार्ट लगा, मुझे पता नहीं था कि ये भी सेंस कर लेता है, बट जो ये वाली मोटर है यही सब, वो स्टार्ट स्टॉप भी ये वाली मोटर ही करती है। सबसे खास बात ये है कि जब, अब लेट मी स्टार्ट दिस, सामने बहुत अच्छी सड़क है, मैं इस गाड़ी को बहुत तेज भी भगा सकता हूँ बट मैं नहीं भगाऊंगा क्योंकि न्यू कार है और इंजन नवा करना है, सो हम प्यार से चलेंगे। अब देखना 1 से 2 का जो RPM बैंड है, ये SHV की लाइट यहाँ पर चलती है, देखो अब जलेगी। तो जब मैं पिकअप देता हूं ये SHV की लाइट यहां पे जलती है, जब ज्यादा देता हूं तो बंद हो जाती है, जब मैं प्यार प्यार से थ्रॉटल देता हूं, एक सेकंड फिफ्थ डालता हूं,
अब नहीं चल रही है आई थिंक, अब इसको चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, अब जल रही है क्योंकि मैंने रेस छोड़ी अभी चार दो रेस में, एसएचपीएस की लाइट जल रही है। आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट मेरी बातों से समझ आओ। पॉइंट इज कि जो एक से दो आरपीएम वाला बैंड है जिस पे कार का भी टर्बो नहीं चला होता है, जैसे हम कहते हैं गाड़ी में लैग है, तो गाड़ी के लैग के कारण एक से दो का जो आरपीएम बैंड है वहां पर गाड़ी में पावर नहीं होती, क्योंकि दो के बाद टर्बो चलता है तो दो में गाड़ी चलती है, और एक से नीचे गाड़ी वैसे भी नहीं होती, मतलब 0.9 आरपीएम पे आइडल माना जाता है। तो अगर आप गाड़ी शुरू कर रहे हो, जैसे ये देखो अगर शुरू कर रहा हूं, आई डोंट नो यार अगर आपको दिख रहा है, गाड़ी शुरू कर रहा हूं तो 0.9 पे अभी, या 0.8 या 0.9 पे है, तो जब आप शुरू, तो आपका 0.8 से 1.8 तक का ही बैंड ऐसा होता है, 1.9 तक का ऐसा बैंड होता है जिसमें आपको पावर की जरूरत होती है। तो उस टर्बो लैग वाले पार्ट में जब तक टर्बो नहीं चलता और इंजन उसमें पिकअप नहीं दे पा रहा, तब तक एक टॉर्क असिस्ट आता है इलेक्ट्रिक मोटर से, और उसकी आवाज भी आती है बड़ी प्यारी सी, जैसे मैम आवाज इतनी प्यारी और इतनी सटल है, और ऐसे आती है जैसे अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाया होगा तो उसमें जब हम रेस देते हैं तो की आवाज आती है, मतलब मैं टेस्ला वाली नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं आप टेस्ला में नहीं बैठा हूं, बट इट दैट इलेक्ट्रिक साउंड, दैट इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन इज स्टार्टिंग में मुझे बड़ी अजीब सी लगी, मैंने कहा ये क्या हो रहा था, मैंने दिमाग लगाया कि अच्छा हुआ क्या है, कि व्हाई इज दिस साउंड कमिंग अप जब मैं रेस दे रहा हूं, बट बाद में आई कुड रियलाइज कि टॉर्क असिस्ट फीचर भी है इसमें, और तभी मेरी ड्राइवेबिलिटी इतनी बेटर हो रही है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमें पता है कि इस इंजन में लैग है या 2000 से नीचे गाड़ी में पिकअप नहीं आती तब तक वो नहीं आता, जैसे अब ये फिर ऑन हो गया और ये आवाज आ रही है साइड से, बट ये 1 से 2 के बीच में जब आप रेस देते हो ना, जब आप प्यार से रेस देते हो, तो दिस सिस्टम एक्चुअली हेल्प्स। एंड और नॉर्मल अगर कोई नॉन हाइब्रिड इंजन है तो उसके अंदर ये नॉन लैग या नॉन टर्बो वाले लैग वाले आरपीएम बैंड में, नॉन टर्बो वाले आरपीएम बैंड में आपको बहुत ही डेड फील होता है, डेडनेस फील होती है, आपको पता चलता है कि आप पैर तो दबा रहे हो बट रेस तरह धीरे धीरे बढ़ रही है, आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बट वेन दिस सिस्टम इज ऑन इसके बाद इट एक्चुअली फील्स दैट योर थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज क्रिस्पर एंड शार्पर। बट एक बात और है कि अगर आप पूरी रेस दे दोगे तो ये शायद एक्टिवेट नहीं होता, मतलब दिस इज फॉर योर एवरीडे ड्राइवेबिलिटी, जो 90% टाइम आप जैसे गाड़ी चलाते हो आप डेफिनेटली पागल की तरह आगे रेस देके ब्रेक मार के तो चलाने नहीं वाले है, अभी गाड़ी प्यार से चलने वाली है, जैसे अभी बीच बीच में बार बार ऑन हो रहा है। सो जो एक से दो वाला पावर बैंड है जिसमें मैक्सिमम आप खपते हो, जैसे अभी दूसरा गियर डाला अभी ऑन है अब टर्बो चल पड़ा, बट वो एक से दो में दैट वॉज ऑन एंड दैट वॉज हेल्पिंग मी इन दैट इनिशियल पिकअप और दैट फील। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि यार कि इसके कारण बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है तो ऐसा भी नहीं है, मेरे हिसाब से सिर्फ 5-10% फर्क है, और मोर देन द एक्चुअल पिकअप इसका फर्क आपको फील में आता है, यू कैन एक्चुअली फील कि वो जब ऑन होता है और थोड़ा लाइटनेस आपके पैर में लग रहा है, थोड़ा थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको बेटर लग रहा है, अभी भी ऑन है तो इट फील्स कि देयर इज एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज वर्किंग और आपकी एक्सेलरेशन थोड़ी बेटर हो रही है। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग यार, एक गैसोलीन इंजन में आप इलेक्ट्रिक पावर से उसका एक्सेलरेशन असिस्ट कर रहे हो, ये एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी और इट इज डिफरेंट देन अदर इंजन, बट फिर भी ये बहुत सस्ती है तो आई गेस गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके क्या है। बट जहां तक आज तक लोग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को कभी एक बाइंग डिसीजन नहीं मानते थे, इन सियाज या इस सेगमेंट में आपको ये सोचना चाहिए कि इट इज अ प्लस पॉइंट। हमें अब तक लगता था यार कि चल हाई हाइब्रिड वाली है इसका चल क्या नाम है, इसकी इतनी माइलेज है, दूसरी नॉन हाइब्रिड है इसकी इतनी माइलेज है, तो हमें कहता था क्या फर्क पड़ता, माइलेज ही फर्क पड़ता, बट नहीं यार विद दिस फीचर इट एक्चुअली वर्क्स एंड इट एक्चुअली गिव यू दैट फील। और सबसे ज्यादा जो अब मुझे ये भी हो सकता है कि मुझे एक्चुअल कुछ फील ना ज्यादा हो रहा हो, बट बिकॉज ऑफ द साउंड मेरे को इफेक्ट आ रहा हो कि हाँ कि सच में फील हो रहा है, तो ये बहुत अजीब सी बात है, बट मजा बहुत आ रहा है और बहुत अच्छा है, और वो इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने अब खरीद ली है, बट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मैं खुद सरप्राइज हूँ, मैंने एक्चुअली हाइब्रिड के लिए नहीं खरीदा, बट दिस एक्चुअली शोज एंड दिस इज अ वेरी गुड फीचर। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर अबाउट एंड मोस्ट लाइकली आई विल मेक दैट वीडियो कि आप नॉर्मल कार में शीशे फोल्डिंग कैसे लगवा सकते हो। आपको पता है कि मैं आफ्टर मार्केट काम के लिए कामों के बहुत अगेंस्ट हूँ, मैं अपनी गाड़ी में वायरिंग खराब करने के बहुत अगेंस्ट हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा फिनिक हूँ इस बात को लेकर कि मेरी गाड़ी 60-70 हज़ार तक कभी मेरी कार के अंदर कोई सरप्राइज वियर एंड टीयर नहीं आना चाहिए, तभी मैं गाड़ी जल्दी बेच भी देता हूँ 60-70 हज़ार के बाद। बट मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा है और मैं टचवुड कभी भी मेरी कार को रास्ते में कुछ हो जाता है या कुछ भी ऐसी चीज हो जाए तो मेरे को बहुत गुस्सा रहता है और मैं तभी अपनी कार के साथ कोई पंगे भी नहीं लेता हूँ। बट दिस पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये भी मैंने यूट्यूब से देखा है, हर्ष व्लॉग्स करके एक चैनल है, तो उन्होंने इस पे वीडियो बनाई थी, तो मैं भी बनाऊंगा वीडियो की उन्होंने मेरे गाड़ी के साथ क्या करा। तो वो बंदा क्लेम कर रहा है कि सर आपका काम 200% ओरिजिनल होगा, यहाँ पर बटन यूनिट लगेगा वो ओरिजिनल बटन एमजीए का होगा, जो शीशे के अंदर मोटर लगेगी वो भी ओरिजिनल एमजीए की होगी। तो आई होप दैट एवरीथिंग गोज फाइन एंड एवरीथिंग गोज वेल एंड Let's see what happens. But if that happens, it's a very big feat because बहुत सारे लोग ऊपर वाला वेरियंट सिर्फ इसलिए लेते हैं कि यार कि शीशे फोल्डिंग नहीं है उसमें, क्योंकि उसके अलावा सारी चीज़ें चोंचले हैं,
ये ऑटो डिमिंग मिरर है, काम का फीचर नो डाउट, बट आपका इससे भी सर जाता है। टच स्क्रीन वैसे भी इसमें है नहीं, तो टच स्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वैसे भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज एंड्रॉइड ऑटो में आप विंक या यूट्यूब से गाने नहीं प्ले कर सकते, उसमें सिर्फ गूगल प्ले म्यूजिक चलता है और बहुत रेयर लोग गूगल प्ले म्यूजिक यूज़ करते हैं। कारप्ले का मुझे अच्छे से, अब जैसे गाड़ी मेरे को खुद इंजन ऑन कर लिया, मैंने क्लच नहीं दबाया, इट सेंस की एसी की जरूरत है इंजन के ऑन होने की, और इंजन ऑन कर लिया। तो दीज आर सम वेरी स्मार्ट फीचर्स दैट दिस कार हैज, एंड उसके बाद भी ये गाड़ी अपने काउंटर पार्ट से इतनी सस्ती है और इतनी स्पेशियस है, इतनी कंफर्टेबल है, सो दैट इज अ बिग फीट फॉर सियाज।